नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनमोल आइडियाज़ पे। मेरा नाम है अनमोल और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये रिंग लाइट। तो ये रिंग लाइट जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ, ये एक एलईडी लाइट है। उसके अलावा हम बॉक्स पे साइड में देखें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रोडक्ट का जो रेट है वो 1999 रुपीज़ बताया गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, असल में मुझे 500 रुपये में मिला है। आप भी इसे उस रेट में ख़रीद सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। तो चलिए बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मिलते हैं हमारे बॉक्स में। तो सबसे पहले ये हमारा रिंग लाइट है, ये 10 इंचेस का लाइट है, एलईडी लाइट है। उसके साथ ये अटैच केबल आ जाता है जिसमें आपको इसके रिमोट कंट्रोल और ये जो है ये यूएसबी पावर सॉकेट पावर के लिए है, यूएसबी पिन। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये जो ट्राइपॉड लाइट है, इस लाइट को मोबाइल होल्डर से कनेक्ट करने के लिए मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक मोबाइल होल्डर मिलता है, साथ में ये छोटा सा जो पूरा सेटअप है लाइट का उसको माउंट करने के लिए कह सकते हैं ट्राइपॉड टाइप मिलता है, जिसका ये डिस्क रोटेटेबल है। यहाँ पे ये यूनिवर्सल स्क्रू देखने मिल जाता है और ये जो सॉकेट है इसका ये पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है। साथ ही इसके नीचे एक यूनिवर्सल शू लगाने के लिए जगह दिया गया है, जिससे कि आप इसे अपने कोई भी जो ट्राइपॉड स्टैंड है उस पर भी इस लाइट को माउंट कर सकते हैं। जो वेरिएंट मैंने ऑर्डर किया इसमें हमें साथ में ट्राइपॉड नहीं मिलता है, इसीलिए मेरे पास अलग से ट्राइपॉड था तो मैं उसे यूज़ करूँगा। अगर आपको ट्राइपॉड वाला वेरियंट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, उसका रेट थोड़ा हाई होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब ये जो सब सेटअप है इसको कम्प्लीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो मोबाइल होल्डर है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे लूज करना है। लूज करने के बाद ये सॉकेट में इसको फिट करना है और फिट करने के बाद इसको ऐसे टाइट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से कनेक्ट हो गया। इसको आप चाहें तो लूज करके और फिर अपना जैसे ये लूज करके, और अगर मेरे को ये रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं, फिर उस जगह पे टाइटन कर दीजिएगा। उसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे स्लाइड इन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है बेसिक सेटअप। उसके बाद अगर हम और दूसरा देखें तो ये जो है हमारा जो ट्राइपॉड है इसको हमें यहाँ पे लूज करके आपको जैसे ये स्ट्रेट हो गया है तो यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर दीजिएगा और इसको नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह दी गई है, इस पर टाइट कर दीजिए। तो ये जो हमारा लाइट है इसका सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम लाइट का जो रिमोट है एक बार वो देख लेते हैं। ये दोस्तों ये लाइट का रिमोट है, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे जो प्लस का सिंबल है उससे जो इसका ब्राइटनेस है वो अप होता है, माइनस से ब्राइटनेस डिम होता है। उसके बाद ये जो आप चेंज का ऑप्शन देखेंगे ये ऑप्शन से जो लाइट का मोड है जैसे कि वार्म लाइट या फिर कोल्ड लाइट, ब्लू लाइट चाहिए या फिर वाइट, तो वो चेंज होता है। और नीचे आप देखेंगे तो पावर ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर सप्लाई के लिए इसमें यूएसबी का ऑप्शन है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि हमें हर जगह जो प्लग पॉइंट है वो मिल नहीं सकता। और इससे हम अपने चार्जर के अडाप्टर से या फिर एक नॉर्मल पावर बैंक से भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम कहीं जा रहे हैं तो, जिससे ये पोर्टेबल बनता है। अगर हम पोर्टेबल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम इसके वेट के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि 238 ग्राम्स है, जिसकी मदद से बहुत लाइट वेट होता है और आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। हालांकि इसका जो मटेरियल है वो उतना स्ट्रांग नहीं है और इस पर अगर ज़रा सा भी प्रेशर आएगा तो ये लाइट क्रैक हो सकता है। उसके अलावा ये जो है वो 10 इंच वाला मॉडल है तो ये छोटा सा है, आप इसे अपने बैग में यूज़ डाल सकते हैं। और इसका जो पर्सनल ट्राइपॉड है ये भी बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं इसके साथ दूसरा ट्राइपॉड मेरा है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो अब बिना किसी और देरी के हम जो हैं
अपने पावर बैंक से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जल रहा है और ये आप देख सकते हैं ये चालू हो गया। तो इसमें मैं आपको पहले मोड दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे ये एक येलो है, वार्म टोन में ये लाइट है इस वक्त, ये वाइट है, येलो एंड दिस इज ब्लू। तो सबसे पहले अगर हम इसके कलर के बारे में बात कर लें, जो कलर टेम्परेचर है, तो वाइट जो है हमारा 2800 केल्विन के टेम्परेचर पे है, येलो जो है हमारा वो 5500 केल्विन के टेम्परेचर पे है, और जो ब्लू कलर है 3800 केल्विन के टेम्परेचर पे है। इसका जो एरिया है दोस्तों, ये इतना बड़ा है कि इसकी वजह से आप 120 डिग्री एंगल पे जो है ये लाइट अपना लाइट थ्रो करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ना हमें यहाँ पे जो प्लस माइनस बटन है, उसकी वजह से इसमें हम 10 लेवल तक ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैं प्लस दबा रहा हूँ तो आप देख सकते होंगे कि ये जो ब्राइटनेस है वो बढ़ता जा रहा है, और मैं माइनस दबाऊंगा तो ये ब्राइटनेस आप देखेंगे धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर लगा। उसके बाद कंपनी कहती है कि इस लाइट का जो ब्राइटनेस है वो बाकी मार्केट में अवेलेबल और भी लाइट से सबसे ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा इसमें 3 कलर मोड मिलते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिया। लाइट रेंज जो है इसकी वो 3200 केल्विन से लेके 5600 केल्विन तक आती है। इसका जो सेटअप है दोस्तों, ये बहुत ईजी है, इसलिए हम अगेन इसे पोर्टेबल कह सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैंने इसमें अपना फ़ोन माउंट कर लिया है, तो आप इजीली फ़ोन को इस पर माउंट करके पीछे से जो है वो लूज़ करके और अपने फ़ोन को रोटेट भी कर सकते हैं। ये मेरा मी का कोई फ़ोन है और ये अराउंड 6.5 इंच का डिस्प्ले है, तो नॉर्मल साइज़ जो फ़ोन है वो इसमें बिल्कुल आसानी से फिट हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें एक बात है कि आप चाहें तो सिर्फ अपना फ़ोन ही यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर DSLR या फिर कोई और कैमरा का मुझे ऑप्शन नहीं लग रहा है। चाहे तो आप इसके साथ दूसरा एक ट्राइपॉड यूज़ करके आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, तो आजकल जैसे सब लोग यूट्यूब पे या फिर टिकटॉक पे, आप टिकटॉक बनाना है, आपको रील्स बनाना है, उसके लिए बहुत ईजी है और बहुत सारे यूज़ भी करते हैं इसे। प्लस आपको अगर अपना फ़ोटो शूट करना है, कहीं लाइव स्ट्रीम करना है यूट्यूब पे, या फिर कोई ऑनलाइन मीट ही आपको अटेंड क्यों ना करना हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उसके लिए। हालांकि आप इसे अपने मेकअप के समय भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मदद से आपको बहुत इवनली आपका फेस जो है उस पर लाइटिंग आएगी, तो आपको पता चलेगा आपको किस तरह का मेकअप चाहिए। तो इसके दो बहुत सारे यूजेस हैं और आप जिस तरह से चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। Thank you.